तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, 10-15 दिन काम करते हो, उसके बाद में 20 दिन काम करते हो, फिर किसी कंपनी में 30 दिन काम करते हो, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में क्या आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी जब नेक्स्ट आप किसी कंपनी में जाओगे, या आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे 1 वीक या 2 वीक काम करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं, जिस काम के लिए इन्होंने मुझे हायर किया था वो काम मुझे नहीं दे रहे हैं, या पता चलता है कि आपके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि आपको 10 से 11 दिन बाद एक अच्छा ऑफर मिल रहा हो, आप वहाँ से छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो उस केस में ये शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। मतलब अगर आप 90 या 95% के केस में बात करोगे तो उसका रीज़न ऑलमोस्ट यही होता है, कुछ ना कुछ रीज़न। ये नहीं कि आप 10-11 दिन बाद छोड़ दोगे फिर जॉब ही नहीं करोगे, तो वो एक अलग केस है। तो उस केस में क्या होता है कि देखो, जब एक कंपनी में आप ये काम करते हो, किसी कंपनी में गए और वहाँ पे इसके बाद आपने 10-11 दिन बाद छोड़ दिया, तो किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि आपने इस कंपनी में 10 से 11 दिन क्यों काम किया है, आप क्यों छोड़ना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया एक केस के। अब बात होती है दूसरा केस, जहाँ पे आपने 20 दिन रुका। ये मान लो, आप समझ लो, फर्स्ट वाला 15 दिन का केस और सेकेंड वाला 20 दिन का केस। तो उसके बाद फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने इस वजह से छोड़ा। फिर आप मान लो कोई एक केस बनता है 30 डेज का, जहाँ पे आपने 30 दिन के बाद छोड़ दिया, तो एक वो अलग केस बनता है, तो फिर वहाँ से वो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब आपके मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनी आप पे टेस्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि यार, आपने 3 कंपनी ऑलरेडी स्विच कर दी है 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, तो उस केस में आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात, आपसे जस्टिफिकेशन लिया जाएगा कि आप इतनी जल्दी जल्दी कंपनी इसको क्यों छोड़ रहे हो, और वो भी यही सोचेंगे कि आपको दूसरी जॉब मिलेगी, आप 10-15 दिन बाद फिर से ये छोड़ दोगे। तो इस वजह से आपको वहाँ पे एक तगड़ा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है 15 से 20% आपको नेक्स्ट जॉब मिलने में। यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर ऑफर लेटर लेने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो वो एक अपना अलग केस है। जैसे आपको किसी कंपनी का ऑफर लेटर मिल गया, मान लो एक कंपनी का ऑफर लेटर मिला, बी कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप बी में चले गए, सी कंपनी से और बेटर मिल गई, आप उसमें चले गए, तो ये एक डिफरेंट थिंग्स होती है। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपने कंपनी को ज्वाइन ही नहीं किया, तो आपका शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के पर्पज़ से। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ए बी सी आपने जो 3 कंपनीज में स्विच किया था, मान लो इसके बाद आप चौथी कंपनी में गए, तो अगर आपका पीएफ डिटेल नहीं कटा है, पीएफ जैसे ही आप जाते हो आपका पासबुक क्रिएट हो जाता है पर्टिकुलर उस कंपनी के नाम से, तो अगर आपका पीएफ डिटेल नहीं कटा हुआ है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें आप एक्सपीरियंस लेटर मेंशन ही ना करो, वो कंपनी दिखाओ ही मत। लेकिन अगर आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है, आपको इनकेस 15 दिन की सैलरी भी आई है, पीएफ पासबुक क्रिएट हुआ है वही पीएफ का आपका, तो वो उस केस में अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तब भी पता चल जाएगा। जैसे ही आप यूएन नंबर वहाँ पे सबमिट करोगे, तो यूएन नंबर से आप देखोगे आपकी सारी की सारी पासबुक दिखती है वहाँ पे, आपने जितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, टोटल टेन्यूअर क्या हुआ है आपके वर्किंग का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर अगर आपको हार्ड कॉपी मिला है, या मीन्स मेरे कहने का कि मतलब आपका पीएफ पासबुक नहीं क्रिएट हुआ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नॉर्मली आप उनको बता दो कि हाँ, मैंने यहाँ पे जॉब किया, यहाँ पे जॉब किया इंटरव्यू के टाइम पे, ये बीजीबी वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे पूछेंगे तब आप उनको बता दो, और अगर डॉक्यूमेंट सही है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो उनको सबमिट कर दो। तो बीजीबी में इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, उनको उनको सिर्फ मतलब होता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करने से, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।